नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका मैथ मैजिक में। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आज हम लोग कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। मतलब कैलेंडर में कोई भी डे दिया रहेगा और उस दिन कौन सा दिन है और उसके बाद एक महीना बाद, एक साल बाद, दो साल बाद कि कौन सा दिन वो उस तारीख को रहेगा या फिर अगले महीने में क्या रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। बस थोड़ी सी समझने की बात है, बिल्कुल निमोनिक्स की तरह बात होगी। बस थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर 3 जनवरी को सोमवार है तो 5 जनवरी को कौन सा दिन होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए दोस्त कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन। ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता ही होती है। और वीक में 7 डेज होते हैं। चलिए इतनी बात है। अगर जनवरी में 3 जनवरी को सोमवार है, 3 जनवरी को क्या बोल रहा है, मंडे है, मतलब सोमवार, तो आपसे पूछ रहा है कि 5 फरवरी को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो जिंदगी भर याद रहेगा। एक बार बस आप इसे समझ जाएंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो हमें पता है कि जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों। कितने दिन, कितने तारीख को बोला है, 3 जनवरी। जितना तारीख को बोलेगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे। जैसे आप माइनस कीजिएगा, 31 में से 3 को घटाइएगा तो आपका होगा 28। इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, 5 फरवरी को, मतलब जनवरी के बाद ही 5 फरवरी आ रहा है, तो कितने तारीख को, 5 फरवरी। तो इसमें क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 33 हो जाएगा। बस इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है कि 33 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से अगर हम 33 को डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 5। मतलब रिमाइंडर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं, वो 5 बचा। बस इतना है। बस आपको याद रखना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर पे ही सारा खेला है। 3 जनवरी को मेरा था, मतलब कितना शेष बचा, 5। रिमाइंडर 5 है, 2, 3, 4, 5। तो इस डे को क्या था, मंडे था, ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये हो जाएगा सैटरडे। मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, शनिवार, मतलब सैटरडे आंसर आ जाएगा। मतलब 5 फरवरी को वो कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। समझ में आ गया। एक बार और देखते हैं, जितना दिन होगा उस मंथ में उतना उसको माइनस कर देंगे। मतलब 3 जनवरी में 31 दिन होता है तो 3 माइनस कर दिया, 28 हो गया। अब जितना दिन बोलेगा, सपोज दैट फरवरी में बोला है, तो क्या करेंगे, फरवरी में 5 जोड़ दिए, जितना आएगा उसको डिवाइड करेंगे 7 से, जो रिमाइंडर आएगा उसके बाद काउंट कर लेंगे। अगर मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 5 रिमाइंडर था तो 5 जोड़ लेंगे। अगर एक और बात सीख लेते हैं इसी में, इतना तो समझ में आया होगा। अगर यहां पे 5 फरवरी के जगह अगर 5 मार्च रहता तो सेम वही चीज है, 31 में से 3 घटाएंगे, 28 होगा। 28 में से क्या करना पड़ेगा, जनवरी है तो फरवरी का 28 ले लेंगे, उसके बाद मार्च का 5 ले लेंगे। अब ये तीनों को जोड़ देंगे, 8, 5, 16, 16, 21, 4, 5, 51 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7, 49, रिमाइंडर 2। मतलब रिमाइंडर मेरा 2 आ गया। अगर 3 जनवरी को मंडे था तो 2 दिन चाहिए, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। मतलब मेरा 5 मार्च को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। बहुत ही जगह एग्जाम में ये पूछता है, तो इस पर आप लोग गौर जरूर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे का जितना भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देते हैं आपके लिए। अगर
मार्च को अगर 6 मार्च को संडे था तो इसी महीने के दसवां दिन कौन सा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 मार्च क्वेश्चन चेंज हो गया है, 6 मार्च की बात कही है और इसी महीने के दसवां दिन, सॉरी यहाँ पे 6 मार्च की जगह आप कुछ बड़ा ले लीजिए, जैसे सपोज दैट हम 31 मार्च ले लिए। ठीक है, अगर 31 मार्च को संडे था तो इसी महीने के दसवां दिन क्या होगा, इसी महीने की बात कर रहा है तो सिंपल सा है, मार्च का 31 का होता है और कौन सा दिन बोल रहा है, दसवां दिन, तो 10 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा, मतलब 7 3 बार में कट गया, मतलब रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो डे भी क्या होगा, संडे ही होगा। अगर सपोज डेट, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आपको लग रहा है कि 0 आ गया तो फिर दिक्कत हो, 0 आएगा तो वही सेम डे होगा। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ 11वां दिन कर दिए, अगर 11 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अब उसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 ये हो जाएगा 6, रिमाइंडर मेरा 6 बच गया। अगर संडे था तो 6 1 2 3 4 5 6, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो देखिए जनरली कैलेंडर में जितना भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, यही 2-3 पैटर्न पे पूछता है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फुल कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल दिया गया है, उससे आप फुल कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप उसमें नंबर भी मेरा दिया हुआ है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शॉर्ट वीडियो था लेकिन बहुत ही काम का वीडियो था, तो इसे हमेशा याद रखेंगे, एक बार अगर आप अपने दिमाग में से बैठा लेंगे तो पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।